दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप स्नैप वीडियो ऐप पर वीडियो शूट करके कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक पूरा देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिवास मजी और आप देख रहे हैं बिबूज वर्ल्ड। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि आप स्नैप वीडियो ऐप पर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बट आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्नैप वीडियो ऐप पर वीडियो शूट करके कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन पर स्नैप वीडियो ऐप को ओपन कर लीजिए। ऐप ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम नीचे सेंटर में एक प्लस का आइकॉन है, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो आप जैसे इसमें क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ऑप्शन शो करेंगे। इसमें एकदम टॉप में राइट साइड में जो पहला ऑप्शन है वो है फ्लिप। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से कैमरा को फ्लिप कर सकते हैं, यानी आपको बैक कैमरा से वीडियो शूट करना है या फिर फ्रंट से, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइमर। अगर आप टाइमर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम 60 सेकंड का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपको 30 सेकंड का करना है या फिर 40 सेकंड का, ये सारा चीज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्पीड। अगर आप स्पीड पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से स्लो करना चाहते हैं या फिर फास्ट करना चाहते हैं, इसे आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्यूटी। अगर आप ब्यूटी पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से फिल्टर और ब्यूटी सेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका म्यूज़िक। अगर आप म्यूज़िक पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से कोई भी म्यूज़िक सेट कर सकते हैं। आप जिस म्यूज़िक को अपने वीडियो में ऐड करना चाहते हैं आप उसे फाइंड कर लीजिए और फाइंड करने के बाद उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। तो आप जैसे अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा ये म्यूज़िक ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप एकदम नीचे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मैजिक का एक ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहां से बहुत सारे जो मैजिक ऑप्शन है उसे आप चूज़ कर सकते हैं। उसे चूज़ करने के बाद आप यहां से बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे बीच में एक योलो बटन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये वीडियो शूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि वीडियो शूट हो रहा है। वीडियो जैसे ही कंप्लीट शूट हो जाएगा, वीडियो शूट करने के बाद उसके साइड में जो नेक्स्ट बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपका वीडियो शूट हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ और डिटेल्स फिलअप करना है, यानी कुछ और ऑप्शंस जो है उसे सेट करना है। जैसे आप अगर इफेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो इफेक्ट्स में क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से जो भी इफेक्ट वगैरह ऐड करना है वो आप ऐड कर दीजिए। और टाइमिंग में क्लिक करके आप यहाँ से स्लो मोशन या फिर रिपीट या फिर रिवाइंड ये सब चीज़ भी सेट कर सकते हैं। फिर डन कर दीजिए। डन करने के बाद अगर आप कवर इमेज ऐड करना चाहते हैं तो आपको कवर में क्लिक करना है। कवर में क्लिक करने के बाद आप उस वीडियो का कौन सा पार्ट को कवर इमेज में ऐड करना चाहते हैं सेट कर लीजिए, फिर डन कर दीजिए। डन करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं फिल्टर, आप यहां से फिल्टर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई स्टिकर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां से स्टिकर चूज़ कर लीजिए और स्टिकर चूज़ करने के बाद फिर से नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइटल, हैशटैग या फिर मेंशन जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कोई भी एक टाइटल दे देते हैं और टाइटल देने के बाद यहाँ पर कोई भी एक हैशटैग भी ऐड कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ऐड लोकेशन या फिर प्राइवेसी सेटिंग्स वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। उसके बाद शेयर पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे शेयर पे क्लिक कीजिएगा ये वीडियो आपके अकाउंट पे शेयर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप स्नैप वीडियो ऐप पर आप कोई भी वीडियो को शूट करके पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका है कि आप स्नैप वीडियो ऐप पर वीडियो शूट करके कैसे शेयर कर सकते हैं, कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।